आज से तकरीबन 2 साल पहले मोहतरम सकलैन साहब ने इस इलाके में फैजान अकेडमी की बुनियाद रखी है, जिसका बुनियादी मकसद ये था कि यहाँ के लोगों को जदीद तालीम से रोशनास कराया जाए और सबसे पहले मुझे जदीद तालीम की ट्रेनिंग दी और पिछले 5 साल से मैं ये ट्रेनिंग उनके पास ले रही हूँ। हमारे इस इदारे का बुनियादी मकसद ये है कि हम लोग प्ले से लेकर मैट्रिक के बच्चों को जदीद तालीम दें, इसके साथ साथ जितने भी बेरोज़गार नौजवान हैं उनको हम लोग टेक्निकल एजुकेशन दें। मैट्रिक से जो फारिग तलबा होते हैं उनके लिए हम लोगों ने कंप्यूटर कोर्सेज का अहतमाम किया हुआ है, जिनमें हम उनको 3 माह के कोर्सेज करवाते हैं। कोर्सेज के एंड पे उनको डिप्लोमा दिया जाता है ताकि आगे जाकर वो अच्छे तरीके से किसी भी जगह जॉब कर सके। मेरा नाम फैजान अकेडमी है, मैं यहाँ पे MS ऑफिस के बारे में सीखने के लिए आती हूँ और इसमें मेरे लिए ज़्यादा यूजफुल MS एक्सेल है, क्योंकि मैं एक कंटेंट की स्टूडेंट हूँ और आगे कंटेंट की फील्ड में जाना चाहता हूँ। मेरा नाम जवाहर है, मैं बात के गाँव से आता हूँ। मैंने कंप्यूटर में हमें सब सीखा, जिसमें वर्ड एक्सेल इनवेज और पावर पॉइंट की मुझे सब सीखा और पॉइंट की प्रेजेंटेशन में रखना। फैजान अकेडमी का बुनियादी मकसद ये है कि हम बच्चों और नौजवानों को ख़ुद मुख्तार बनाया जाए ताकि उनमें खुद एतमादी पैदा हो जाए और वो अपने कामों को बेहतर तरीके से अंजाम दे सकें। जदीद तालीम के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियाँ भी करवाई जाती हैं, जिनमें इनको बागबानी करवाई जाती है, इसके साथ साथ पेंटिंग भी करवाई जाती है और न सिर्फ करवाई जाती है बल्कि इनके मुकाबले का अहतमाम भी किया जाता है। बच्चों में बागबानी का शौर उजागर करने के लिए हम लोग उनको मुख्तलिफ़ किस्म के पौधों के बारे में बताते हैं, पौधे किस तरह मतलब के पौधे लगाए जाते हैं ये बताया जाता है ताकि वो अपने घरों में भी जाके बागबानी कर सकें और माहौल को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा कर सकें। बच्चों के साथ साथ ख़वातीन और बेरोज़गार नौजवानों के लिए भी हम लोग कुछ करना चाहते हैं। बच्चों के लिए इंशाल्लाह मुस्तकबिल में ख़वातीन के लिए सिलाई कढ़ाई सेंटर का इफ्तिताह करेंगे और उसके साथ साथ बेरोज़गार नौजवानों के लिए हम लोग टेक्निकल एजुकेशन का इंतकाल करने लगे हैं। बच्चे को इलाके से बहुत दूर शहर में जाना पड़ता था, तो अभी फैजान अकेडमी का बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है, लोग यहाँ इलाके के लोग बहुत खुश हैं। ये छोटा सा कदम है जो प्रोफेसर सकलैन साहब ने उठाया है इलाके के लोग बच्चों की बेहतरी के लिए, ताकि उनकी शख्सियत में बेहतरी लाई जा सके और उनको खुद मुख्तार बनाया जा सके ताकि वो अपने काम का खुद करना सीख लें, क्योंकि अपने कामों को खुद करना ही कामयाबी की पहली सीढ़ी है।